व्लॉग के लास्ट में मैंने एक चीज़ मेंशन की थी कि कहीं ना कहीं आप लोगों को लेकर जाता रहूँगा। शायद आप लोगों ने सीरियस नहीं लिया, मगर मैंने उस चीज़ को सीरियस ले लिया है। आज भाई मैं आप लोगों को लेकर जा रहा हूँ अपने नानके गांव में, नानका गांव जहाँ से मेरी अम्मी थी सरगोदा। सरगोदा के लिए दो रास्ते भाई यहाँ से जाते हैं, एक चनियोट वाला रास्ता और दूसरा पिंडी भटिया वाला रास्ता। पिंडी भटिया वाला मोटरवे बन जाती है और चनियोट वाला रास्ता जो है वो इतना ज़्यादा खास अच्छा नहीं है। मैं हमेशा चनियोट वाले रास्ते से ही गया हूँ। वैसे प्रेजेंट टाइम मैं अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद के सामने से गुजर रहा हूँ। के ऊपर लग गए जो चनियोट की तरफ जाता है, और यही रास्ता टोटल कोई यानी कि टर्न नहीं करना, बस सीधे रास्ते के ऊपर जाना है। सरगोदा से पहले गांव आता है 106 चक जनूबी, जिधर हम लोगों ने आज जाना है। आप लोगों ने वो बात सुनी होगी कि मिस्त्रियों के हमेशा घर अपने टूटे हुए होते हैं, यही यानी कि मिसाल इस रोड की है। सारे मुल्क में, पूरे पाकिस्तान में यहाँ से मटेरियल जाता है, स्टोन वगैरह जो होते हैं सरगोदा से, मगर सरगोदा का अपना रोड जो जा रहा है वो टूटा फूटा हुआ है। पहुंच चुके हैं चनियोट, ये नज़दीक ही है फैसलाबाद से, तकरीबन 40-45 किलोमीटर बन जाता है जब फैसलाबाद से निकलते हैं। बादशाह की बेटी थी चंदन, वो एक दफ़ा शिकार के लिए यहाँ से गुजरी, उसको ये जगह काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गई, उसने यहाँ पे डेरे जमाने के लिए लोगों को कहा। सबसे पहले उसने यह स्टार्ट किया था यहाँ पे, पहले स्टार्ट में इसका नाम चंदनी ओट था, वही चंदन की वजह से करके उसी के ऑनर में रखा गया था, रिफाइन करके इसका नाम चनियोट हो गया। पूरे पाकिस्तान में अब फर्नीचर की वजह से चनियोट को जानते हैं, यहाँ का फर्नीचर बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का होता है। वुड के रिलेटेड जो डेकोरेशन पीसेज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा यानी कि मिल जाएगा, और बहुत ही बढ़िया किस्म के होते हैं यहाँ पे मिलते हैं चनियोट में। तो चनियोट का व्लॉग किसी और दिन पर रखते हैं, मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ क्योंकि अपना नानका पिंड भी दिखाना है आप लोगों को, तो ये ना हो बहुत ज़्यादा डिले कर दूँ। के साथ ही दरिया चनाब बहता है, और ये दरिया पीछे कश्मीर से निकल के आता है, जम्मू कश्मीर से, और ये वही दरिया है जहाँ से मोहम्मद बिन कासिम जब मुल्तान और सिंध को फतह कर वापस जा रहे थे, तो इसी रास्ते के जरिए उन वो गुजर के कश्मीर गए थे वापस। लेट वैसे काफी ज्यादा हो रहे हैं, मगर यार बच्चे जो है साथ, उनको कहा चलो एंजॉय करवा लेंगे। यहाँ पे बोट है और उसके अलावा कैमल है यहाँ पे। मज़े की बात, जो कैमल राइड है ना वो आज तक तो मैंने बच्चों को नहीं दिलवाई, आज बच्चों को कैमल राइड दिलवाने लगा हूँ। कैमल राइड करनी है, कैमल राइड करनी है। बस 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 बस, हाँ उतारो आराम से जी, बच्चों को पकड़ के, बच्चों को कुछ कोई नहीं, कोई नहीं, टेंशन बिल्कुल इजी बैठेंगे मेरा। चलो 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 चलो, आजा आजा आराम से, उसको पता है बच्चे छोटे। हाँ जी चलो, उतरो उतरो उतरो, आज मजा आया। हाँ हाँ, अब डर उतर गया ना तेरा, आप ब्रेव बनते हैं, डरते नहीं है। दरियाए चनाब के उस पार रबुआ है और इस पार चनियोट है, दरमियान में दरिया बह रहा है, और यहाँ पे सारे मरजई होते हैं रबुए में। रबुआ एक यार अरबी लफ्ज़ है जिसका मतलब है बुलंद जगह।
जो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि यहाँ पे कब्रिस्तान बनाया गया है दोजख के लिए अलग है और जन्नत के लिए अलग है। जो मतलब के पैसे अफोर्ड कर सकते हैं उनको जन्नत वाले कब्रिस्तान में दफना देते हैं और जो पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते उनको दोजख वाले कब्रिस्तान में दफना देते हैं। फ़र्क इन दोनों में ये है कि जो वो जन्नत वाला कब्रिस्तान है पेड़ काफ़ी ज़्यादा लगाए हुए हैं, जो दोजख वाला कब्रिस्तान है उसमें पेड़ नहीं है और कांटेदार झाड़ियाँ थोड़ी ज़्यादा है। वैसे जन्नत में कम ही बंदे होंगे, दोजख तो भरी पड़ी थी भाई। में मुझे देख के हंसने लग पड़ता है फौरन, जब गाड़ी में बैठता है पता नहीं क्या हो जाता है इसको, इसके मुंह पे स्माइल ही नहीं आती। मैं बड़ी कोशिश करता हूँ हंसाने की मगर ये हंसते ही नहीं है। ओए क्या हुआ तौहीद? हंस पड़ा जी हंस पड़ा, कुछ स्माइल आई है। चलो जी, ये है एक मामू का घर और ये साथ दूसरे मामू का घर है। छोटे मामू के साथ डबल रिश्ता है। मेरी फुप्पो की शादी जो हुई है वो मेरे छोटे मामू के साथ हुई हुई है। वट्टा सट्टा कहते हैं पंजाबी में। चलें जी थोड़ा सा मिल मिला लें, फिर आप लोगों को लेकर चलता हूँ बाहर डेरे पे भी। ये घर मेरे छोटे मामू का। ये घर मेरे बड़े मामू का। कौन सा अच्छा लगा घर फिर, बड़े मामू का कि छोटे मामू का? खुद ही डिसाइड कर लेना। अब चलता हूँ भाई डेरा दिखाता हूँ आप लोगों को, जो मेन देखने वाला है गांव का। ये डेरे वगैरह देखने होते हैं मेन लोगों को जो शौक होता है, तो चलते हैं डेरे की तरफ। मामू और फुफ्फी अपना काम कर रहे हैं, दिखाता हूँ आप लोगों को उनकी प्रेजेंट सिचुएशन। ये सिचुएशन में बैठे हुए इतना बोंदा शांता था नहीं 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 ओहो हो कोई नहीं आंदी कोई नहीं आंदी तेरे आड़ पिशा। अस्सलाम वालेकुम जी, ये है मैं मेरे मामू। ठीक हो? ठीक है हाँ शुक्र अल्लाह ताला। कोई आओ जी चलो मिलो गंदम पाक के बिल्कुल तैयार हो गई है। उसके लिए प्रेपरेशन जो है वो स्टार्ट कर ली है। इससे बांधते हैं गंदम को ना, तो ये पहले से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि फिर दस्ती यानी कि फौरन नहीं ना बनाई जाती। छोटे मामू के दो बेटे हैं, एक के ये जानवर हैं और दूसरों के ये जानवर बंधे हुए हैं। रात को इधर बंद कर देते हैं, ये हवेली है जिसके अंदर सभी जानवर को लेकर आ जाते हैं और खुला छोड़ देते हैं जब दूध वगैरह धो लेते हैं। किससे डर है मुझे दिखा, चल इधर आ सारी। चलो चलो चल चल आगे चल।
थोड़ा प्यो भी डर जाए। किससे डर रहे थे? किससे? वो लल्ले से काले डर गया था। सारी वो छोटे से मेमने से डर गया। सारे ओए क्यों डरा है उससे? ये वाले छोटे से डरा है। अब कैमरे को देख के ये काफी ज्यादा हाइपर हो रही हैं। ये ना हो कोई रस्सी तुड़वा के मेरे पीछे आ जाए, फिर नया व्लॉग तैयार हो जाए। बेर पक कर तैयार हो गए हैं, मैं बेर लेने के लिए जा रहा हूँ। काफी देर हो गई बेर नहीं खाए यार। यहाँ पे नजदीक बेर नहीं थे इसलिए स्पेशल रोड के ऊपर लग गए हैं, और अब थोड़ी देर तक बस बेरों के पास पहुंच जाना। सिर्फ मेरे लिए बस आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे बेर खाने थे। मैंने कहा बेर ले कर ही जाने। अब भाई जो चीज़ें छोटे होते यानी कि मिस करते हैं ना, वो बड़े होने के बाद भी जब उस जगह पे पहुँचते हो तो याद आती रहती है। साइल काफ़ी हैवी है, अब उठाया नहीं जाता, सांस फूल जाती है। नहीं मैं तो बड़ा ही हूँ ना। तो बड़ा ही कह रहा हूँ कि तो बड़ा हो गया, अब उठाया नहीं जाता, सांस फूल जाती। चलो जी फाइनली आ चुके हैं भाई बेर। बस बस बहुत बारिश होगी, बस बहुत बारिश होगी। पकड़ा पकड़ा चलो। देर उठा उठा के थक गया था, पॉकेट फुल कर लिए मैंने। ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर सकता था, क्योंकि यही यादें जो सी बचपन वाली मेरी तो है भाई, कि जब नानी नाना जिंदा थे तभी सेरिया में आते थे तो वो पहले से जामुन तैयार करके रखते थे। बाउल होता था, उसको अच्छी तरह हिला के नरम करके जामुन वो बैठे होते थे, और ऊपर नमक लगाया होता था। तो जामुन की छाँव के नीचे ही बैठ के, क्योंकि घर जो है वहाँ पर पहले जामुन होता था बड़ा, तो वो आज भी यादें यानी कि कुछ है। तो ये बच्चों को लेकर आया हूँ कि इनके पास भी वो मेमोरी हो जो हमारे चाइल्डहुड में थी मेमोरीज। तो ये जो सी जाते हैं यही बचती है इंसान की जिंदगी में। चलो वो कितना भारा है साहिल, तू वो खाना दूसरा भी खाते है तो वैसे बड़ा हो गया। हाँ बिल्कुल जी, बेर जोन से उनका मिशन पूरा हो गया, एक शॉपर जो सब भर लिया हम लोगों ने, अब हम वापस जा रहे हैं। चलो जी बाइक के पास हम लोग पहुंच गए। बैठाता हूँ नहीं नहीं चलो पे। सिर्फ और सिर्फ ये पहाड़ ही पहाड़ है, ये एक ही पहाड़ रह गया जो बहुत ही बड़ा है, मैसिव पहाड़ है। मैं ट्राई करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आए हैं थोड़ा सा एडवेंचर यानी कि शुरू करते हैं, कोशिश करता हूँ जहाँ तक पहुँच सका। चलो भाई मेरी हिम्मत बस यहीं तक थी। वैसे यार जब छोटे हुए आते थे तब ये किक्कर नहीं होते थे यहाँ पे, मुझे नहीं याद कि किक्कर होते थे। और ये बिल्कुल जो सा ब्लैक कलर का होता था, वो साथ ब्लैक कलर का है पहाड़, मगर वहाँ पे भी आप छोड़ नीचे नीचे किक्कर हैं, तो यह मुश्किल है यहाँ पे चढ़ना जो सा काफ़ी ज़्यादा। तो मैं अब ऊपर नहीं जाने लगा, इतना एडवेंचर भी अच्छा नहीं होता। ड्रोन से दिखाता हूँ आप लोगों को, चेक करो।
जहाँ पे हम लोग इस टाइम है ये 102 चक जनूबी है। मेरे जो ऐसा नानका पिंड है वो 106 चक जनूबी है, साथ वाले गाँव है, नज़दीक ही है, इतना दूर नहीं है। पाकिस्तान का 12वां सबसे बड़ा शहर है सरगोधा, मगर ये सरगोधा का एक गाँव का, यानी कि बताया आप लोगों को सरगोधा, किसी और दिन किसी और वीडियो में कवर करेंगे। तो ठीक हो गया। अब भाई मेरी एक कड़ी प्रतीक्षा है कि ये पीछे पत्थर नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये मैं अब अपने बलवान सीने के ज़ोर पे इसको नीचे फेंक रहा हूँ इस खाई में। तो आप सब लोग आप चेक करें बस। कोई नहीं यार, पैंपर गद्दा हो गया मेरा।